तो दोस्तों आज इन ऑनीज एक्वा का एक नया वीडियो में विथ मिस्टर अमृतायन गोस्वामी और ये वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कीप अ डिस्कस बाय अ न्यू डिस्कस हॉबिस्ट। तो हेलो अमृतायन। हाय। हेलो। हाय एवरीवन। तो वेलकम टू ऑनीज एक्वा। तो अमृतायन ये बोलिएगा कि एक नया डिस्कस का जो हॉबिस होंगे उनको आप क्या क्या टिप्स दोगे कि किस तरह से उनका डिस्कस कीपिंग को अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से वो स्टार्ट करेंगे और फिर अल्टीमेटली किस तरह से वो ओवरऑल डिस्कस को टैंक को वो मेंटेन करेंगे। जो डिस्कस हॉबीस्ट है, जो डिस्कस पहले से कर रहा है वो अलग है, जो नया वाला स्टार्ट करना चाह रहा है कोई प्रॉपरली डिस्कस करने के लिए वैसा कुछ डरने की बात नहीं है। बहुत सारा लोग ऐसे सोच में रखते हैं कि डिस्कस में जो बात है कि डिस्कस करने से ना डिस्कस बहुत सेंसिटिव फिश है, ये रख नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, ऐसा बात नहीं है। डिस्कस को रखने के लिए कुछ छोटा छोटा पॉइंट है, जैसा एक है ये जो रिसेलर लोग हैं, ये रिसेलर को पहले से गाइड करना चाहिए और ये गाइडेंस क्या होता है मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। पॉइंट नंबर वन ये है कि आपको वाटर क्वालिटी मेंटेन करना है, नाइट्रेट है, एमोनिया है, ये बढ़ना नहीं चाहिए टैंक में। ये इसको देखना है कि वाटर साइकिलिंग जो है, जो साइफन हो रहा है वो प्रॉपरली होना चाहिए। मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये भी पॉइंट एक होना चाहिए कि एक डिस्कस का एक नया हॉबीज उसको तो, क्योंकि देखिए डिस्कस अगर पूरा गलत डिस्कस खरीदोगे, एक बीमार या तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है वगैरह वगैरह, या तो बहुत सारा उसमें कमियां है, ठीक है, डिफॉल्ट से, तो यानी डिस्कस करना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो क्या क्या चीज बेसिक, क्या क्या चीज देख के एक नया हॉबीस्ट को एक डिस्कस को खरीदना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको लगे कि रिसेलर की टैंक में ज्यादा से ज्यादा आप ये नहीं कर रहा है, खेल नहीं रहा है, इधर उधर जा नहीं रहा है, उसका एक्टिविटी बहुत स्लो है, यानी मूवमेंट यस मोस्ट इम्पोर्टेंट, मूवमेंट बहुत ही स्लो है, ठीक है, तो आपको उसको थोड़ा जस्टिफाई करना है और उसको एक बार रिसेलर से पूछना है कि कैसा है, कैसे टाइप का है वो, ठीक है। अभी ऐसा भी है, देखिए उसका जो ओवरऑल नेचर है डिस्कस का ओवरऑल नेचर आपको मैं क्या बताऊं कि एक डिटेल्स में कभी डिस्कस मूवमेंट ठीक तरह से रहता है, एक गुड डिस्कस का भी मूवमेंट कभी कभी स्लो हो जाता है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो डिस्कस खराब है, नहीं, वो आपको काफी समय तक उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या, और अगर ऐसा भी है न्यू हॉबीज जो है वो डिस्कस को ऑब्जर्व करके पहचान नहीं पा रहा है तो उसका गाइडेंस देना पड़ेगा रिसेलर को। फिजिकल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देख के उनको पता चलता है कि वो डिस्कस में यानी कुछ ना कुछ बीमारी है या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जैसा माने कि फिजिकली देख के, तो जैसे स्टंटेड डिस्कस हो तो बॉडी टू आई रेशियो अगर आग बहुत ज्यादा बड़ा है तो पता चल पर वो स्टंटेड हो गया। आप जो डिस्कस चूज किए हैं वहाँ पे सिलेक्ट किए हैं वो डिस्कस को देखिए पहले कि उसका फिन कैसा है, फिन ओपन है, पूरा खुला हुआ है, ठीक है, उसका मूवमेंट बहुत फ्लेक्सिबल है, स्किन और बॉडी में भी कुछ एक्स्ट्रा, हाँ कुछ, हाँ व्हाइट कलर, हाँ कुछ मोल्स ऐसे नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, उस वो कुछ भी नहीं है, और वो जो गिल है वो जो जब वो बहुत फास्ट ब्रीदिंग ये भी नहीं कर रहा, ब्रीदिंग नहीं कर रहा, शायद वो गिल फ्लुक्स का कुछ हो सकता है, वैसा नहीं हो रहा है। और नहीं, ऐसा नहीं है कि गिल फ्लुक्स वैसे ही करेगा, ये भी हो सकता है ओवरलोड, ओवर बायलोड की वजह से भी वो ब्रीथ करता है, हाँ ये समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। एक नया हॉबीज जो उसका सिलेक्शन करके उसका टैंक में उसका नया डिस्कस वो लाया है उसका टैंक में उसने छोड़ भी दिया, तो उसका कोई या छोड़ने से पहले भी कुछ स्पेशल एक्लिमेटेशन प्रोसेस में कुछ ध्यान देना है क्या, और एक्लिमेटेशन करने के बाद इनिशियल कुछ दिन में यानी पहला उसका डिस्कस कीपिंग का पहला 5 दिन 10 दिन 15 दिन वो कुछ दिन में उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। देखिए एक्लमेडेशन जो प्रोसेस है इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मिनिमम 20-30 मिनट्स नया डिस्कस को पैकेट विद पैकेट रखना चाहिए नया टैंक में, क्योंकि उनका जो वाटर टेम्परेचर है वो
एडजस्ट होने में टाइम लगता है, जो कि डिस्कस के लिए बहुत वाइटल, बहुत वाइटल है जी। और जो सेकंड पॉइंट है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लाइट्स ऑन रखिए। अगर रात में अगर कोई डिस्कस अब खरीद के ला रहे घर पे, तो रात में अगर थोड़ा सा भी लाइट हो वो बेहतर रहता है। पूरा लाइट्स ऑफ एकदम मत कीजिए, उसमें डिस्कस और भी स्ट्रेस में चला जाएगा। अच्छा, पर छोड़ने के समय, पहला बार नया डिस्कस को जब टैंक में छोड़ रहे हॉबीज, तब तो कम से कम कुछ समय के लिए लाइट बंद रहे। नहीं, एकदम ही नहीं, थोड़ा बहुत लाइट होना जरूरी है डिस्कस के लिए। वो भी चारों तरफ देख पाए कि वो कहाँ पे अभी उसमें वो जो या अंदर ड्रिपिंग हुआ है वो कहाँ पे ड्रिप हुआ है, वो उसको देखना चाहिए वो, ठीक है। अगर वो कम्युनिटी टैंक में भी है, अगर और भी डिस्कस है उसके साथ, वो भी उसको देखना चाहिए। देखना जरूरी है कि वो कहाँ है, लेकिन वो उसमें ज्यादा ट्रेस में जाएगा। अच्छा, पर इसमें एक पॉइंट है, मानिए कि उसके पास वो नया हॉबिस्ट को लेके वीडियो, तो यानी नया ही वो डिस्कस कीपिंग कर रहा है, पर ये पकड़ लीजिए पहला लॉट में उसने पहला बार कुछ ने शायद 3-4 डिस्कस ऑलरेडी खरीद लिया, जो डिस्कस ऑलरेडी 1-1.5 महीना सेटल्ड हो गया, पुराना हो गया टाइम, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, पर ये देखिए होता है। हाँ, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मतलब होता है दो तरफ से। ऐसे भी होता है कि कोई नया डिस्कस खरीदने के बाद जो डिस्कस टैंक में गया है, वो टैंक में उतरने के साथ साथ ही 10 मिनट के अंदर जो पुराना वाला डिस्कस है उसको ही बोलिंग कर रहा है। देखिए, वो तभी होगा कि अगर जो नया डिस्कस है वो काफ़ी अगर बड़ा है तो नहीं, मैं सेम साइज का भी बात कर रहा हूँ, मैं सेम साइज में ही बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शनल केस की कुछ, ये नया जो डिस्कस है बहुत सुपर एग्रेसिव है, रेयर केस में, एकदम रेयर केस में होता है। और अगर ऐसा भी हो कि वो बुलिंग कर रहा है किसी को, लेकिन अगर कम्युनिटी में ज्यादा रहेगा डिस्कस, तो वो देखिए, वो एक्चुअली डिस्कस क्या है, डिस्कस है कि एक जगह में टेरिटोरियल फिश है, वो चिकलेट के कैटेगरी का है, सो दैट वो जो डिस्कस है तो वो एक जगह पे वो टेरिटरी कवर करेगा ही अपना ही आप, जो पहले वाला डिस्कस वहाँ पे रह चुका है पहले से, तो नया वाला डिस्कस के लिए वो टेरिटरी कवर करेगा, इसके लिए वो कुछ ना कुछ बुलिंग कर सकता है वहाँ पे। लेकिन इसमें ऐसे थोड़ा जितना सारा दे उतना बेहतर है, अच्छा। देखिए, हॉबीज के लिए बहुत कुछ पॉसिबल है, लेकिन मैं अगर प्रोफेशनली किसी कोई कर रहा है तो मैं इसके लिए नहीं सजेस्ट करूंगा कि हाइडिंग प्लेस देने के लिए, लेकिन अगर हॉबीज कोई कर रहा है तो वो हाइडिंग प्लेस भी दे सकता है, कुछ प्लांट्स भी लगा सकता है, ये अलग बात है, लेकिन डिथर फिश भी छोड़ सकता है, कुछ छोटे छोटे, हाँ सेफ फील करे। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि बेयर बॉटम टैंक में डिस्कस रखना बहुत अच्छा होता है, अच्छा होता है, इजी मेंटेनेंस होता है डिस्कस का, कुछ सबसे ज्यादा सेफ होता है। और मानिए डिस्कस के साथ हम लोग और क्या क्या कम्युनिटी टैंक के, अगर उसके साथ और कुछ फिशेज रखना चाहे तो क्या आपके हिसाब से क्या और फिश हम लोग रख सकते हैं? देखिए, डिस्कस के साथ कम्युनिटी टैंक में टेट्रस नहीं रख सकते ज़्यादा, क्योंकि अगर डिस्कस ज़्यादा बड़ा हो तो टेट्रस को कुछ इफेक्ट करेगा वो, ठीक है। मतलब डेफिनेटली डिस्कस अगर आपका 4-5 इंच है और अब इधर अब 1 इंच का अगर नियॉन टेट्रा छोड़ो, नहीं, खा लेने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, वो तो आपको साइज दिमाग में तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, और जो फिश रख रहे हो बहुत छोटा भी नहीं हो और फिर ये भी नहीं, अगर छोटा डिस्कस है, अगर छोटा डिस्कस है तो फिर आप उसको एडजस्ट करके रख सकती। और एक बात है कि अगर अब बड़ा डिस्कस, मैं ये भी बोल रहा हूँ, मैं ये बहुत हॉबिस्ट के पास भी देख चुका हूँ कि अगर बड़ा वाला डिस्कस है उनके पास, 5-6 इंच या 7 इंच का डिस्कस है, तो उसके साथ वो एरवाना भी रख सकता है। डिस्कस के साथ डिस्कस ही रखो तो वो मैं बोलूंगा दैट इज द बेस्ट। अगर आप डिस्कस टैंक करना चाहते हैं तो एक डिस्कस कम्युनिटी टैंक ही कीजिए। एक ये नया हॉबिस्ट के लिए डिस्कस का आइडियल डाइट फूड क्या क्या होना चाहिए? देखिए, डाइट फूड्स पहला तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अच्छा सा कुछ पैलेट फूड हो, ड्राई फूड्स हो, फिर वो ट्रॉपिकल का कुछ फूड हो, अच्छा, या फिर ओशन फ्री का कुछ फूड हो, वैसा कुछ गुड क्वालिटी का फूड खिला सकते हैं, या फिर ग्रैंड चैंपियन का कुछ फूड हो। टेट्रा बिट्स इज आल्सो ओके, बट सिर्फ ये है कि टेट्रा बिट्स, हाँ, येलो कलर का फिश, येलो एंड व्हाइट एंड येलो का कुछ भी फिशेस को कुछ रेड बेस्ड फूड खिलाना नहीं चाहिए। बिल्कुल,
खिलाते खिलाते उनका एक कलर चेंज हो जाएगा, वो हाँ ऑरेंज स्टोन आ जाएगा। अच्छा, और क्या क्या खिला सकते हैं? और कुछ फ्रोजन फूड खिला सकते हैं, जैसे कि मानिए गुड क्वालिटी आर्टिमिया हो, फ्रेश आर्टिमिया, फ्रेश ब्लडवर्म हो। वो भी ब्लडवर्म जो है वो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक न्यू हॉबीज़ के लिए एक ब्रांडेड ब्लडवर्म ही खरीद के खिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम अगर कुछ भी नॉन ब्रांडेड में खिला के कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ ब्रांडेड फ्रोजन ब्लडवर्म खिलाना ज़रूरी है फर्स्ट टाइम में। हाँ, अभी वो सीखते सीखते जानते जानते वो प्रोमोटेड प्रो हो लेवल में आ जाएगा, तभी प्रॉब्लम नहीं है। और डिस्कस का और एक बात है, GHM खिला सकते हैं, GHM CHM जो भी है, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि खिला सकते हैं। कोई डिसलर भी अगर बताए कि हाँ तुम GHM खिला सकते हो, खिला सकते हैं, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि वाटर क्वालिटी को मेंटेन करना ज़रूरी है। GHM और CHM खिलाने के बाद मैं छोड़ के चला जाऊँगा, अभी मैं ठीक है खा लिया है, रात को मैं पानी वाटर चेंज कर दूंगा, नहीं वैसा नहीं होगा। आधा घंटा या 40 मिनट्स के अंदर उसका वाटर क्लियर करना ज़रूरी है। जितना भी वाटर आप क्लियर करेंगे, जितना फ्रेश रखेंगे, उतना अमोनिया और नाइट्रेट कम क्रिएट होगा, आपका फिश ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और डिस्कस का जो वाटर पैरामीटर्स जो रखना चाहिए, हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर वाटर, उसके लिए तो मेरे ख्याल से जितना आप लोग पानी चेंज करो उतना अच्छा। और रिगार्डिंग अब लाइट्स के बारे में जिक्र जब कर रहे थे, मैं ये एक पॉइंट बोलूँगा कि मुझे अच्छा खासा याद है, मेरा एकदम डिस्कसिंग में एकदम इनिशियल डेज में ये चीज़ कभी कभार, वो बहुत रेयर केस होता है बट हो सकता है, कि एक तो आप कोशिश कीजिए कि डिस्कस को जितना से जितना बहुत ज़्यादा ओवर कंजेस्टेड रूम में मत रखिएगा, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत ज़्यादा साउंड, बहुत ज़्यादा लोग का आना जाना चहल पहल। हाँ, आप बोलिएगा फिर वो शॉप में कैसा रहता है, फिर दुकान में फिश शॉप में ठीक है, उधर में उधर का डिस्कस इनिशियली वो हैबिचुएटेड हो जाता है, पर नॉर्मली घर का डिस्कस आपका वो माहौल में रखिएगा, और जितना डिस्कस का मेंटेलिटी उसका मानसिकता है, ये जितना से पीसफुल शांत प्रिय, ये टैंक में जितना, टैंक के बाहर में ही नहीं, टैंक के भीतर भी जितना स्लो मूविंग फिशेज हो, बहुत डिस्टर्बेंस, चहल पहल, आवाज़ नहीं, आपके बोलने के बाद डिस्कस का टैंक को जितना नीचे का हाइट में था कि वो कॉन्स्टेंट लोग आना आ रहा है जा रहा है, ऐसा कुछ हो तो वो भी एक डिस्टर्ब फील कर रहा है, ऐसा ना हो, लोटा आपके साथ आई कॉन्टैक्ट हो उस तरह का लेवल में भी रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट। मैं वही बोलना चाहता था अभी, जो भी टेबल हो जहाँ पे आपका टैंक है, ये बहुत वाइटल पॉइंट है, बहुत लोग इस पर गौर नहीं करता है, नी हाइट के ऊपर आना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। प्रोफेशनल प्रो जो करा है उनके लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नया वाला हॉबीस्ट है उनके लिए नी हाइट के ऊपर टेबल का साइज़ नहीं होना चाहिए। मतलब आपका टैंक अप्रॉक्सीमेटली हाइट ऑफ योर चेस्ट, इसमें रहना चाहिए। अच्छा, और यार एक पॉइंट में बोलने जा रहा था तब मैं भूल गया हूँ, दैट इज़ कि ये डेफिनेटली डिस्कस थोड़ा बहुत टिमिड थोड़ा उसका मानसिकता होता है, तो जब आप टैंक का लाइट, हाँ एक गौर कीजिए कि उसका टैंक का सामने में बहुत सडन उसका आपका हाथ साथ का जो मूवमेंट मत कीजिए, कि मैं खुद देखा हूँ अचानक एक डिस्कस को अगर डर गया ना, वो इस तरह से टैंक को इधर से उधर वो बड़े पूरा भागना चालू कर देंगे, अगर शायद उसका पूरा मतलब माथा वाथा में उसका इंजुरी भी हो जाए एंड ऑल दैट, ऐसा रेयर केस में होता है, आप बहुत सडन मूवमेंट मत कीजिए ताकि वो डर जाए। और साथ साथ ये भी कि आप जब टैंक का लाइट आप ऑन कर रहे हैं, मानी सुबह पे, सुबह का 9 बजे 8 बजे 10 बजे जो भी हो खिलाने के पहले एंड ऑल दैट, अब पहले बेस्ट है कि आप रूम का लाइट थोड़ा पहले ऑन कर लो, फिर 10 मिनट के बाद ही आप ऑन करो टैंक का, तो वो बेस्ट है, मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है बेस्ट है। एक ही तरह से जब आप लाइट ऑफ करोगे, मैं रात को हो या तो सुबह का ही बड़े 12 बजे 1 बजे जब आप एंड करोगे, तो तब भी बेस्ट है कि आप अचानक से फटाक से रूम का कोई लाइट नहीं जल रहे, अब टैंक का लाइट ऑफ कर दिया, तो वो भी कभी कभार कोई डिस्कस डर भी जा सकता है, तो बेस्ट है पहले आप फिर ऑफ करने के समय रूम का लाइट को ऑन कर लो, और फिर टैंक 5 या 10 मिनट बाद रूम टैंक का लाइट आप ऑफ करो।
फिर तो और 10 मिनट बाद आप रूम का भी लाइट ऑफ कर दो। दिस इज द बेस्ट वे मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मैं देखा हूँ कि डिस्कस इतना टिमिड और नाजुक होता है, और कभी कभार कुछ छोटा मोटा अच्छा सडन से आपका लाइट एक जला दिया, सडन से लाइट ऑफ हो गया ब्रिंग के सडन मूवमेंट से, कभी कभार कुछ कुछ डिस्कस डर जाता है। होता है। एक रूम का अगर छोटा लाइट 24 आवर्स जो रूम में डिस्कस है अगर उसमें जला रहेगा तो उसका मेटाबॉलिज्म फीस का बहुत अच्छा रहेगा। 24 उसमें बहुत बढ़िया रहता है। अगर आप एक हॉबीज चाहता है कि मैं लाइट ऑफ करके रखूं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई हॉबीज चाहता है 24 घंटा ऑन भी करके रखे तो भी प्रॉब्लम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप रखिए तो फिर इसका रेजिंग अच्छा होगा, और नहीं रखिएगा उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, डिस्कस का कुछ इफेक्ट नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर गुड और रेजिंग करना है तो उसको रखने में भलाई है। डिस्कस का फिर आइडियल उसका वाटर जो केमिस्ट्री जो मेंटेन करे उसका फिर टेम्परेचर और पीएच क्या होना चाहिए? देखिए पीएच जो नॉर्मल वाटर में नेचुरली रहता है वैसे ही होना चाहिए, और उसका पीएच अगर बढ़ रहा है तो आपको लग रहा है कि उसका पीएच बढ़ रहा है तो आप जो साइफून नेक्स्ट डे में चेंज कर रहे हैं तो उसका पीएच घट जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि 2-3 दिन आप नहीं कर पाएंगे और आपको लग रहा है कि आपका बायलोड बहुत ज़्यादा है तो आपको ऐसा एक डिटेल्स में आएगा कि थोड़ा बहुत ऊपर सरफेस में भी डिटेलिंग में आपको दिख जाएगा कि वाटर कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा बायलोड ज़्यादा होगा तो, और ऊपर एकदम टॉप में वो आपको थोड़ा बहुत वो झाग जैसा दिखेगा, हल्का सा झाग जैसा दिखेगा। हाँ वो पीएच बढ़ने का एक सिम्टॉम्स है। हालांकि देखिए पीएच थोड़ा सा लो होता है ऑन द एसिडिक साइड, तो ऑब्वियसली डिस्कस का कलर बढ़ता है। देखिए प्रो लोग मैं बोलूंगा हाँ, नया जो लोग है वो लोग उतना माथा पीछी में ना जाए, पहले तो आप बेसिक सीखो। हाँ, एक साल तो आप बेसिक चीज को एकदम बेसिक ये करो, उतना दिमाग नहीं लगा के। प्रो पर्सन जैसा है वो तो विनेगर सॉल्यूशन में भी करता है। मानिए हम लोग तो एक समय में किए थोड़ा नॉट इनिशियल डेज 4-5 साल लेने के बाद वाटर में पीट मॉस देना ताकि वाटर एसिडिक हो जाए, वाटर एसिडिक होगा तो डिस्कस का और कलर बढ़ेगा। बट नया हॉबिस्ट को ऐसा करना नहीं चाहिए, नहीं जैसा नॉर्मल टैप वाटर आपका है क्लोरीन फ्री आपका वाटर स्टोर वाटर उसी को आप डालो। अगर वाटर आप स्टोर करके नहीं रखे हो तो क्लोरीन फ्री रहना बहुत जरूरी है। क्लोरीन बर्न अगर हो जाएगा डिस्कस तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा डिस्कस को सर्वाइव करवाने में। क्लोरीन बर्न ना हो एंटी क्लोरीन यूज़ कीजिए, एक जगह पे स्टोर कीजिए, 1 डे स्टोरेज रखिए, उसका एक एरेशन दीजिए, उसमें जो स्टोरेज है वहाँ पे एक एरेशन दीजिए और एंटी क्लोरीन यूज़ कीजिए। कोई भी कंपनी का मैं किसी कंपनी का रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको अगर लगे आप क्लोरीन घर में भी बना सकते हैं उसका भी कुछ अलग फंडा है, वो बाद में कभी डिस्कस किया जाएगा। हाँ ये एंटी क्लोरीन भी बनाया जा सकता है लेकिन इसको करना है, एंटी क्लोरीन आपको यूज़ करना है नहीं तो क्लोरीन बर्न होने से प्रॉब्लम होगा। अच्छा तो एक नया हॉबीज के लिए एक अहम सवाल हो जाता है, बेस्ट फिल्ट्रेशन क्या है डिस्कस के लिए? देखिए बेस्ट फिल्ट्रेशन में मेरे पास 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है कि कोई हॉबीस्ट ऐसा करता है कि सम्प लगा देता है, सम्प फिल्टर हो या फिर कैनिस्टर फिल्टर हो, ये बजट के बराबर है। हाँ देखिए सम्प से बेहतर शायद कुछ हो ही नहीं सकता, सकता। बट हाँ, वो कैनिस्टर भी हाँ खर्चा वाला बात है, एक्सपेंसिव होता है। तो सभी हॉबीज के लिए ये उनका बजट के अनुसार आप बोलना। हाँ अनुसार बोल रहा हूँ मैं, सभी हॉबीज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। यानी आपका अगर वैसा बजट है तो आप कैनिस्टर में बिल्कुल जा सकते हैं, सम्प में भी जा सकते हैं, सम्प में भी जा सकते हैं। और एल्स इतना बजट नहीं है तो नॉर्मल स्पॉन्ज फिल्टर यूज कर सकते हो, एकदम नॉर्मल स्पॉन्ज फिल्टर जो ब्लैक स्पॉन्ज फिल्टर होता है वो यूज कर सकते हो, क्योंकि आप एवरीडे वाटर साइकिलिंग कर रहे हो, साइफन कर रहे हो, इसके लिए आपको एक ही रिकमेंडेशन रहेगा, आप स्पॉन्ज फिल्टर यूज कर सकते हो। वो फिल्टर ज्यादा से ज्यादा क्लियर मत कीजिएगा, उसमें गुड बैक्टीरिया क्रिएट होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्रिएट होता है। और जब भी फिल्टर का स्पॉन्ज आप क्लीन करना चाहते हो टैंक के पानी से ही कीजिएगा,
आउटसाइड पानी से नहीं कीजिएगा. रीजन बिहाइंड द गुड बैक्टीरिया क्रिएटेड ऑफ द स्पॉन्ज. सो ये जो गुड बैक्टीरिया क्रिएट होकर रह गया है वो जो पानी आप टैंक का पानी है उसमें वो अवेलेबल है, उसमें उसका तो, जो टेम्परेचर है फ्री वाटर है. हाँ, तो उसमें वही आप टैप वाटर से अगर धोगे क्या होगा, उस तो वाटर क्लोरीन वाला वाटर रहेगा और उसका टेम्परेचर भी फ्लैक्चर्ड होगा. उसमें भी बैक्टीरिया अधिकतर मर जाए. फ्रेश जो वाटर आप देंगे तो उसमें वो बैक्टीरिया इफेक्टेड नहीं है, मतलब जो टैंक का बैक्टीरिया है उसमें वो इफेक्टेड है, तो उसमें रहेगा वो बैक्टीरिया पूरा क्लियर नहीं होगा. आपको बैक्टीरिया को पूरा क्लियर करना, आपको एक ही रिकमेंडेशन रहेगा, आप स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ कर सकते हो. वो फिल्टर ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर मत कीजिएगा, उसमें गुड बैक्टीरिया क्रिएट होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्रिएट होता है. और जब भी फिल्टर का स्पॉन्ज आप क्लीन करना चाहते हो टैंक के पानी से ही कीजिएगा, आउटसाइड पानी से नहीं कीजिएगा. रीज़न बिहाइंड द गुड बैक्टीरिया क्रिएटेड ऑफ द स्पॉन्ज. सो ये जो गुड बैक्टीरिया क्रिएट होकर रह गया है वो जो पानी आप टैंक का पानी है उसमें वो अवेलेबल है, उसमें उसका जो टेम्परेचर है फ्री वाटर है. हाँ, तो उसमें वही आप टैप वाटर से अगर धोगे क्या होगा, उस वाटर क्लोरीन वाला वाटर रहेगा और उसका टेम्परेचर भी फ्लैक्चर्ड होगा, उसमें भी बैक्टीरिया अधिकतर मर जाए. फ्रेश जो वाटर आप देंगे तो उसमें वो बैक्टीरिया इफेक्टेड नहीं है, मतलब जो टैंक का बैक्टीरिया है उसमें वो इफेक्टेड है, तो उसमें रहेगा वो बैक्टीरिया पूरा क्लियर नहीं होगा. आपको बैक्टीरिया को पूरा क्लियर करना नहीं है, सिर्फ जो थोड़ा बहुत मड रहेगा वो डिटेल्स जो रहेगा उसमें, मतलब वो पूप्स जो रहेगा उसको क्लियर करना है. बिल्कुल. एल्गी जो रहेगा उसको क्लियर करना है, पूरा बैक्टीरिया को क्लियर नहीं करना है. और अमृतन काइंडली आपका कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिएगा. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9007921312. इज़ अ 24 hours अवेलेबल नंबर. तो फ्रेंड्स, इस कदर से उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही काम में आए होंगे, खास करके जो लोग नया हॉबिस्ट है, क्योंकि ये वीडियो बनाया गया है नया डिस्कस हॉबिस्ट के लिए. सो पसंद आए तो बिल्कुल मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. आपको कुछ भी और नया कुछ वीडियोस देखना है, किस तरह का क्या टॉपिक्स में देखना है, अब मुझे कमेंट में बिल्कुल कमेंट कीजिए. सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, वेरी गुड, बाय बाय बाय.